सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पुष्क सोनने और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एमएसटी सीईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। फिलहाल हुआ क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स के यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और मैं बता देता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट का बहुत अच्छा है, तो उन सबको मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा। और मैं बताता हूँ जिनका कम आया है और उनको लगता है कि हम ग्रुपिंग क्राइटेरिया के अंदर हम यहाँ पे फिट नहीं हो रहे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो सारे डाउट्स है वो क्लियर कर लूंगा कि आपको कितने मार्क्स चाहिए आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में और टोटल मिला के कितने चाहिए, जिससे क्या हो कि आप एमएसटी सीईटी के लिए एलिजिबल हो। और फार्मेसी इंजीनियर और एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा ग्रुप यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, तो वो भी इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। टाइम से अभी वीडियो नहीं आया था क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था, हम यहाँ पे व्लॉग ला रहे हैं हमारे डे इन लाइफ ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट का, तो बहुत जल्दी ही वो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। उसके ऊपर ही काम चल रहा है अभी फिलहाल में बैक ऑफ द एंड, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अभी तक चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड है तो ही आप एलिजिबल होंगे एमएसटी सीईटी के एग्जाम के अंदर अपीयर होने के लिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं आप पे गोल घुमा के बात नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पे बता दूंगा कि अगर जो आप ओपन से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, अगर जो आप नोट डाउन करना चाहते हो तो फटाफट से आप नोट डाउन भी कर सकते हो, अगर जो आप ओपन से बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ पे मिनिमम 45% रिक्वायर्ड है। तो आप सोच रहे हो कि भाई ये तो बहुत ही कम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ 45% भी नहीं आते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको 45% यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे उनको चाहिए स्कोर, वो भी पीसीएमबी ग्रुप या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो ये डिपेंड करता है उसको एग्रीकल्चर में जाना है, मैथ मतलब इंजीनियरिंग में जाना है या फिर फार्मेसी में जाना है, तो उसके अंदर वो सिर्फ यहाँ पे मतलब वो इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी अंदर। रिजर्व कैटेगरी अंदर कौन कौन आता है, एसटी आता है, एसटी एससी ओबीसी विजे ए विजे बी विजे सी और यहाँ पे बहुत सारे जो एसबीसी है और ईडब्ल्यूएस वाले जो और जो ईडब्ल्यूएस वाला जो सेक्शन है मतलब जिसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो ओपन में काउंट होते हैं, पर उसके पास सर्टिफिकेट हुआ तो उनको सिर्फ यहाँ पे मिनिमम 40% का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ 40% रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे ग्रुपिंग क्राइटेरिया का तो इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्कोर है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपका क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई 45% के लिए टोटल तीनों में से कितने मार्क्स चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 135 मार्क्स की यहाँ पे जरूरत है। तो जो आपका 134 भी हुआ तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर जो आप 40% के अंदर है मीन्स आपको रिजर्व कैटेगरी के है तो आपको 40% आपको मिनिमम चाहिए, उसमें आपको 120 या फिर 119 भी स्कोर आया तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। पर अगले साल से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गड़बड़ होने वाला है। अगले 2023 में क्या होगा कि एमएसटी सीईटी यहाँ पे भी बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है कि दो बार दे सकते हैं, और ये भी है कि 50% का यहाँ पे क्राइटेरिया होगा, मतलब बोर्ड से 50 पकड़े जाएंगे और एमएसटी सीईटी के मार्क्स 50% आप पकड़े जाएंगे। तो मैं बताता हूँ कि इस साल ऐसा कुछ नहीं है और मतलब अगला जो वीडियो है उसके ऊपर रहेगा कि 2023 में क्या चेंजेस है और इस बार भी क्या चेंजेस है, टू अटेम्प्ट्स का क्या चक्कर है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आपको जो फार्मेसी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया का बहुत बड़ा यहाँ पे खेल होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि फार्मेसी के अंदर बायोलॉजी और मैथ्स यहाँ पे दोनों ग्रुप ही यहाँ पे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आप मैथ्स ग्रुप से हो तो भी आप एलिजिबल हो फार्मेसी के लिए, बायोलॉजी ग्रुप से हो तो भी यहाँ पे आप मतलब एलिजिबल हो फार्मेसी के लिए। और फार्मेसी के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बायोलॉजी मैथ्स आपको कोई भी रहे अल्टरनेट ऑप्शन तो वो चल सकता है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी सेम रहता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिर एग्रीकल्चर का भी कोई सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपको बायोलॉजी मैथ्स होगा तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो एग्रीकल्चर के ऊपर एक वीडियो बनाना होगा स्पेशल उसका ग्रुपिंग क्राइटेरिया के ऊपर, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और यहाँ पे हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के ऊपर, तो इंजीनियरिंग भी मतलब बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज किए थे कि भाई हमको ग्रुपिंग क्राइटेरिया था मतलब यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपका यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और मतलब मैं आपको बताता हूँ उसमें भी ग्रुपिंग क्राइटेरिया का इतना बड़ा यहाँ पे खेल नहीं है। और आपको मैं बताता हूँ कि अगर जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं आपको बना दूंगा। और मैं आपको बताता हूँ कि एमएसटी सीईटी के 2023 में बहुत यहाँ पे चेंजेस होने वाले, उदय सावंत जी ने यहाँ पे अनाउंस किया तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ पे एमएसटी सीईटी के रिलेटेड वीडियो आते हैं। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हर बार अपडेटेड रखने का काम मेरा है,
हर जगह आपको हेल्प करने का काम मेरा है। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और टेलीग्राम के ग्रुप यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा कोई भी डाउट होगा मुझसे यहाँ पे आप स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर सकते हो, और मुझसे भी कोई डाउट होगा तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज कर दूंगा, कोई यहाँ पे मैं आपको डिले नहीं करूंगा मैसेज के अंदर, रिप्लाई के अंदर। तो वहाँ पे मतलब आपको मतलब अच्छे से सर्विस दी जाएगी, इसलिए मैं आपको बताया था कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप लिंक में मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्रुपिंग क्राइटेरिया और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिस्टर सीटी क्लिक किया है वो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। व्लॉग हमारे जो कॉलेज का है और हमारा डे इन लाइफ ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट का बहुत जल्दी ही चैनल पे आने वाला है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन मतलब आप कुछ बिना छोड़े नहीं जाना है वीडियो छोड़ के, तो कमेंट एक आपको ड्रॉप आउट कर देना है जिससे मुझे समझ नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना है। तो चलेगा, मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलेगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।